बाबर आजम के जन्मदिन पर भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान, कोहली ले पाएंगे बदला। 15 अक्टूबर नोट कर लीजिए, हाई वोल्टेज मैच की सबसे जरूरी तारीख। 1 लाख लोग बनेंगे इस जंग के गवाह। स्टेडियम में नहीं होगी पैर रखने तक की जगह। लीक हो गया वर्ल्ड कप का पूरा स्केड्यूल। जानिए कब, कहां और किससे होंगे भारत के मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पॉजिटिव, आपके साथ पूजन शर्मा। और एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में मिली हार को भुलाकर अब टीम इंडिया का फोकस भारत की सरजमी पर खेलने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर होगा। कप्तान रोहित शर्मा भी लंदन के दाओवल मैदान में हारने के जस्ट बाद वर्ल्ड कप के लिए कुछ अलग रणनीति अपनाने की बात कह चुके हैं। क्या कुछ कहा आगे बताऊंगा। इसी बीच वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ड्राफ्ट शेड्यूल लीक हो गया है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि किसी शेड्यूल को BCCI ने ICC को भेजा है और इस शेड्यूल पर अन्य देशों से चर्चा के बाद ICC और BCCI की ओर से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही कर दी जाएगी। टीम इंडिया 2011 के बाद से वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है। और वही बात पाकिस्तान की करें तो आखिरी बार 2009 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब पाकिस्तान ने जीता था। ऐसे में ये टूर्नामेंट दोनों ही मुल्कों के लिए बहुत अहम है। 15 अक्टूबर की तारीख पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए बहुत खास है। इस दिन उनका जन्मदिन होता है, उनके 29वें जन्मदिन पर यह मुकाबला खेला जाना है। बाबर आजम की कप्तानी में वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहली बार कोई मुकाबला जीता था। 2021 में UAE में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। दोस्तों उस समय टीम की कमान विराट कोहली के पास थी और ऐसे में अब कोहली इस दिन बाबर से अपना बदला लेना चाहेंगे। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो WC के मुकाबले 5 अक्टूबर से शुरू होंगे जो 19 नवंबर तक चलेंगे और भारतीय टीम 9 वेन्यू पर मुकाबले खेलेगी जबकि पाकिस्तान को 5 मैदान पर मैच खेलने। हर टीम को 9-9 लीग राउंड के मैच खेलने। टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी और फाइनल जो है अहमदाबाद में ही होगा ये तय। टूर्नामेंट के लिए अब तक 8 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें 2 टीम पर फैसला क्वालिफायर से होना है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें क्वालिफायर में खेलने उतरेंगी। अब 28 साल के बाबर आजम जिनका जन्मदिन उस दिन है, वनडे के रिकॉर्ड को उनके देख लें तो बाबर आजम अब तक 100 मैच 98 पारियों में 59 के औसत से 5,089 रन बना चुके हैं। 18 शतक और 28 अर्धशतक लगाए, इसमें 158 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं। वहीं WTC हारने के जस्ट बाद वर्ल्ड कप के मुकाबलों को लेकर टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा ये देखिए। हमें अलग तरीके से सोचना होगा और अलग तरीके से कुछ करना होगा, भारतीय कप्तान ने कहा। हम नहीं ये ना सोचें ये जीतना है और ये नहीं जीतना है। अक्टूबर में जब वर्ल्ड कप होगा तो हम अलग तरह से खेलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को आज़ादी देंगे और ये नहीं सोचेंगे ये मैच जीतना है। हम ये सोचते रहें कि ये मैच महत्वपूर्ण है, ये टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है और ये चीज़ें अनुकूल हो नहीं पा रही। अब हमें अलग रणनीति बनाने की ज़रूरत है। हमारा मैसेज और फोकस कुछ अलग करने पर होना चाहिए। हमने युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने को कहा है, चाहे वो T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट हो। भारतीय टीम की दूसरी इनिंग में भी ये देखने को मिला जब मेरी और शुभमन गिल की पार्टनरशिप 60 रन तक पहुंच गई, हालांकि इसमें आउट होने का खतरा है। रोहित ने आगे कहा कि हम दबाव में नहीं खेलना चाहते, हमने इतने ICC टूर्नामेंट्स खेले लेकिन जीत नहीं सके, मगर अब हमारी कोशिश अलग तरह से खेलने की रहेगी। दरअसल एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर आप सब जानते हैं कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके खत्म होने की बातें अब सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बिना किसी कंडीशन के वर्ल्ड कप के लिए टीम को भारत भेजने पर भी राजी हो गया है। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ड्राफ्ट शेड्यूल वायरल हो रहा है। ESPN क्रिकेट इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में इस शेड्यूल को लेकर विस्तार से जानकारी दिया, पढ़ भी सकते हैं। और हम आपको बता दें जो शेड्यूल है और जो लीक हुआ है वो कैसा दिखता है। उसके मुताबिक 8 अक्टूबर को भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चेन्नई में होगा। 11 अक्टूबर ये तारीख भारत बनाम अफगानिस्तान के मैच की जो कि दिल्ली में होगा। 15 अक्टूबर भारत बनाम पाकिस्तान, सबसे अहम मुकाबला अहमदाबाद है। 19 अक्टूबर भारत वर्सेस बांग्लादेश पुणे में होगा। वही 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड का मैच होगा धर्मशाला में। 29 अक्टूबर को भारत भिड़ेगा इंग्लैंड से लखनऊ में। 2 नवंबर को मुकाबला होगा भारत और क्वालिफायर का मुंबई के अंदर। और 5 नवंबर को
भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला कोलकाता में होगा। 11 नवंबर को भारत और क्वालिफायर के बीच बेंगलुरु में मुकाबला खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से और 19 नवंबर को फाइनल खेला जा सकता है। वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। टॉप 8 टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अन्य टीमें 18 जून से जिम्बाब्वे में शुरू होने वाला क्वालिफायर राउंड खेलने उतरेंगे। इस राउंड से 2 टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब श्रीलंका और वेस्टइंडीज भी क्वालिफायर राउंड खेलेंगे। वहीं सितंबर में एशिया कप 2023 का भी आयोजन होना है दोस्तों, और एशिया कप के पहले 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इसके बाद के सभी मुकाबले श्रीलंका के गोल और पल्लेकले में खेले जाएंगे। भारत अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा। क्या कुछ आपकी राय है वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल जो लीक हुआ है, जो शेड्यूल बनकर आया, और अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के मैच की जो बात आ रही है उस पर आप क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? आप कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत बहुत सपोर्ट।